नमस्कार दोस्तों, जय पी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दें, ताकि आपको नए नए डिक्टेशन समय पर मिलते रहें। स्टार्ट। यह है जग जाहिर है कि पिछले करीब 2.5-3 साल के दौरान आम लोगों के लिए महंगाई कैसी समस्या बन चुकी है। आय के मुकाबले बाजार में न केवल आम उपयोग के बल्कि जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी जिस स्तर पर बनी हुई थी, उससे लोगों की परेशानी बढ़ी। हालांकि इस बीच सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए जिससे ज़रूरत की वस्तुओं के मूल्य कुछ स्थिर हो सकें, लेकिन बाज़ार की अपनी गति रही और महंगाई की चुनौती बनी रही। काफ़ी समय बाद अब इस मोर्चे पर साधारण लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि खुदरा महंगाई दर पिछले एक साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। दरअसल बीते साल नवंबर के मुकाबले दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में कमी आई। एक बार फिर यह उम्मीद पैदा की है कि अगर यह स्थिति बनी रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर जहां 5.88% थी, वह दिसंबर में यह 5.72% दर्ज की गई। हो सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से इसे कोई बड़ा फेरबदल नहीं माना जाए, लेकिन कई बार बाजार में ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में आई कुछ कमी साधारण लोगों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं होती। बाजार में ज़रूरी चीज़ों के खुदरा मूल्यों में आई गिरावट को जहां देश में एक बड़ी समस्या से राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसकी अहमियत इस रूप में भी दर्ज की जा रही है कि जिस दौर में समूची दुनिया महंगाई से उपजी समस्याओं का सामना कर रही है, वैसे भारत में इस मोर्चे पर उभरी मुश्किलों को कुछ कम करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि खुले बाजार में खुदरा महंगाई दर के आकलन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं के इस्तेमाल को कसौटी माना जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 448 और शहरी क्षेत्रों के लिए 460 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है। यों खुले बाजार में ऐसी तमाम वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतों तक लोगों की पहुंच उसकी खरीदारी को तय करती है, लेकिन मुख्य
रूप से रोज़मर्रा की ज़रूरी और ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों के दाम से महंगाई की तीव्रता दर्ज की जाती है। यह छिपा नहीं है कि पिछले काफ़ी समय से सब्जियों के ऊंचे दाम ने लोगों की थाली को कुछ हद तक खाली रखना शुरू कर दिया था। अब इस मौसम में सब्जियों के साथ साथ कुछ अन्य खाद्यान्नों की कीमत कम होने से महंगाई की चुनौती कमज़ोर पड़ती दिख रही है। दरअसल खरीफ फसलों की कटाई नवंबर तक पूरी हो जाती है और उनके बाजार में आने से इस मामले में मदद मिलती है। यूँ सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई को 2% के उतार चढ़ाव के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें लोगों को तब सताने लगती हैं जब कम या ठहरी हुई आय की वजह से उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में पूर्णबंदी से लेकर कई मोर्चों पर कैसे विपरीत हालात पैदा हुए थे। अब राहत की बात है कि महामारी के काबू में आने के साथ साथ अमूमन सभी क्षेत्र सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सुधार के दौर में महंगाई से राहत मिलेगी और आम लोगों की आमदनी की तस्वीर भी सुधरेगी। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यह डिक्टेशन और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।